आईपीएल 2023 के 27वें मुकाबले यानी बृहस्पतिवार के डबल हेडर इनकाउंटर के पहले मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक की पारी खेली। यहां पर कोहली ने आईपीएल 2023 का चौथा अर्धशतक लगाया। इस अर्धशतक के साथ ही विराट कोहली ने चार नए कीर्तिमान आईपीएल के इतिहास में अपने नाम में दर्ज कर लिए हैं। तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे चार कीर्तिमान हैं जो विराट कोहली ने अपनी पारी के दौरान मुकम्मल किया है। सबसे पहले विराट कोहली के स्कोर कार्ड पे एक नज़र उठाकर डाल लेते हैं। विराट कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान 59 रन बनाए जिसमें 47 गेंदों का सामना किया और 5 चौके और 4 एक छक्का भी जड़ा। उनका स्ट्राइक रेट 125 का था जो क्वेश्चनेबल स्ट्राइक रेट रहता है क्योंकि आईपीएल में टी20 क्रिकेट में आप जरूर सोचते हो कि किसी भी बल्लेबाज का एटलीस्ट या एट मिनिमम 150 का स्ट्राइक रेट जरूर ही रहे। तो जरूर विराट कोहली और आरसीबी को एक अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया था लेकिन उस स्टार्ट का यूटिलाइजेशन एट द एंड नहीं हो पाया। कोहली भी कुछ बाले खाते हुए दिखे और अन्य बल्लेबाज उस स्टार्ट को कन्वर्ट करने में विफल रहे जिस कारण आरसीबी 20 ओवरों में मात्र 174 रन ही बना पाई। लेकिन उनके गेंदबाजों ने इस लक्ष्य को डिफेंड कर लिया और पंजाब किंग्स को 150 रनों पे 18.2 गेंदों पे ऑल आउट कर दिया और 24 रन से आरसीबी ये मुकाबला जीत गई। तो आ जाते हैं विराट कोहली के 5 रिकॉर्डों पे जो इन्होंने इस पारी के दौरान मुकम्मल किया, उनको देख लेते हैं। तो विराट कोहली ने अपने इस पारी के दौरान चौकों में 600 चौके पूरे कर लिए हैं। तो 600 चौके पूरे करने वाले आईपीएल 2023 के वो तीसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे ज़्यादा इस सूची में धवन का नाम है जिन्होंने 730 चौके आईपीएल 2023 आईपीएल के कैरियर में बनाया। तो वहीं वार्नर ने आईपीएल के अपने पूरे कैरियर में 608 चौके और आज के जो मैच था उससे पहले का ये स्टैट्स है दिल्ली कैपिटल्स के। तो आज के मैच में जो चौके वार्नर ने मारे होंगे वो इंक्रीज हो गए होंगे लेकिन आज के मैच के पहले वार्नर के नाम 608 चौके थे और कोहली तीसरे स्थान पे हैं चौके लगाने के लिस्ट में, वो 600 चौके की सूची में आ गए हैं। अब आते हैं दूसरे रिकॉर्ड पे जो कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान दर्ज किया। तो सबसे ज़्यादा 30 प्लस का स्कोर बनाने वाले आईपीएल में वो बल्लेबाज बन गए और ये कारनामा उन्होंने 100 बार आईपीएल के इतिहास में कर दिया है और इनसे ज़्यादा बार किसी ने भी आईपीएल के इतिहास में 30 प्लस का स्कोर पार नहीं किया है। तो अगर तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो ये डुप्लेसिस के साथ 431 रन आईपीएल 2023 में बना लिए हैं और ये किसी भी पेयर द्वारा मतलब दो बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा रन इस आईपीएल के 2023 के इतिहास का है। मतलब आईपीएल 2023 में किसी ने भी 431 रन एज ए पार्टनरशिप नहीं बनाया जो डुप्लेसिस और विराट कोहली ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। तो चौथे रिकॉर्ड पे आते हैं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। एज ए कैप्टन बतौर कप्तान विराट कोहली 6500 रन बना चुके हैं। आपको पता होगा कि आज के मैच में डुप्लेसिस कप्तानी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से विराट कोहली ने कप्तानी की और 6500 रन अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने बतौर कप्तान बना लिया। तो ये जो चार महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे विराट कोहली ने पूरे कर लिए और बतौर कप्तान किसी ने भी 6500 रन अभी तक आईपीएल के इतिहास में नहीं बनाए हुए हैं। तो ये मात्र एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने बतौर कप्तान 6500 रन बनाए हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो विराट कोहली ने अपने इस पारी के दौरान मुकम्मल किए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे विराट कोहली अब ऐसी ही शैली में खेलते हुए नजर आए और कई रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए नजर आए। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।